गाइज आज है हमारे पास Samsung Galaxy S23। इस छोटकू का जन्म 2023 में हुआ है और मैं इसे एक साल से यूज कर रहा हूँ और आज मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसके बॉक्स में आपको एक टाइप C2C चार्जिंग केबल और एक सिम इजेक्टर टूल के अलावा और कुछ काम का देखने को नहीं मिलेगा। देखने में ये फोन काफी छोटा है एंड इसका वेट भी ज्यादा नहीं है। इसका वेट 168 ग्राम्स है एंड दोस्तों आप इस फोन को आराम से एक हाथ में यूज कर सकते हो। ये आराम से आपके एक हाथ में आ जाता है एंड इसको आप पॉकेट में रखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने पॉकेट में फोन रखा है। इसका साइज छोटा है बट छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। क्योंकि ये आता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 एंड 8 GB रैम के साथ एंड आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है One UI 5.1 विद Android 13 जो कि अब अपडेट के बाद हो चुका है One UI 6.1 विद Android 14। इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलता है 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज एंड 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज एंड ये फोन आपको 4 कलर्स में मिल जाते हैं फैंटम ब्लैक लेवेंडर ग्रीन एंड क्रीम कलर। इसमें आपको डुअल सिम प्लस ई सिम का सपोर्ट मिलता है। इसके टॉप साइड में एक माइक्रोफोन राइट साइड में पावर बटन एंड वॉल्यूम रॉकर्स की नीचे के साइड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट डुअल माइक्रोफोन स्पीकर ग्रिल एंड सिम ट्रे और लेफ्ट साइड पूरा प्लेन है एंड दोस्तों इसका थिकनेस है 7.6 mm तो उतना ज्यादा मोटा भी नहीं है ये फोन एंड इसके कॉर्नर्स सारे कर्व्ड है। गाइज Samsung है ये, समझ रहे हो ना, इसका डिस्प्ले अच्छा ही होगा। इसमें आपको 6.1 इंच का डायनेमिक एमोलेड 2K ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 425 PPI डेंसिटी जो कि HDR 10 प्लस तक सपोर्ट करता है तो आपको वीडियो स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा एंड साथ ही आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है जो कि काफी फास्ट रिस्पॉन्स देता है। इसमें आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है एंड इसके फ्रंट और बैक दोनों ही साइड आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। इसमें आप बैटल ग्राउंड्स मोबाइल 90 FPS में खेल सकते हो। इसमें कूलिंग के लिए वेपर चैम्बर लगा हुआ है बट फिर भी फोन थोड़ा हीट जरूर होता है बट गेमिंग में आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। इसमें आपको 4 इयर्स तक का एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेगा मतलब आप इसको एंड्रॉइड 17 तक अपडेट कर सकते हो। इसमें आपको Samsung DeX भी मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपने फोन को Samsung के किसी भी स्मार्ट टीवी में कनेक्ट कर सकते हो एंड उसके अलावा अपडेट के बाद इसमें आपको Samsung AI के सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि S24 में देखने को मिलता है जैसे कि 2-way लाइव ट्रांसलेशन सर्कल टू सर्च ऐसे ही AI के सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको 3900 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 25 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड 15 वाट फास्ट वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। दोस्तों इसमें आपको सिर्फ 3900 mAh की बैटरी मिलती है बट फिर भी ये फोन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको 5G का सपोर्ट मिल जाता है एंड आप इसमें eSIM भी यूज कर सकते हो साथ ही Wi-Fi 6E ब्लूटूथ वर्जन 5.3 एंड NFC भी देखने को मिल जाता है। इसके फ्रंट में आपको 12 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है एंड रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है 50 MP प्राइमरी लेंस 10 MP टेलीफोटो लेंस एंड 12 MP अल्ट्रा वाइड लेंस। इसके फ्रंट कैमरा से क्लिक किए गए कुछ फोटो सैंपल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो एंड इसके रियर कैमरा से क्लिक किए गए कुछ फोटो सैंपल्स। इसके फ्रंट कैमरा से आप 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो एंड इसके रियर कैमरा से आप 8K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो।
इसमें आपको IP68 का वाटर रेटिंग मिलता है, तो आपको इसे पानी से बचा के रखने की कोई जरूरत नहीं, फेंक दीजिए इसको पानी में। लॉन्च के टाइम इस फोन का प्राइस 70,000 था, बट अभी आपको ये फोन अप्रोक्स 50,000 में मिल जाएगा। सो दोस्तों, लॉन्च होने के एक साल बाद भी आप ये फोन परचेज कर सकते हो, ये एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें अभी भी अपडेट आ रहा है और आता ही रहेगा, मतलब लगभग एंड्रॉयड 17 तक अपडेट आता रहेगा। आपको ये फोन कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना।